हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। एक शापित पेंटिंग की जो एक मशहूर चित्रकार ने बनाई थी। शुरुआत में यह पेंटिंग बेहद मशहूर हुई, लेकिन कुछ समय बाद ही इसे जमकर बदनामी भी मिली। दरअसल ये तस्वीर कई हादसों की जिम्मेदार मानी गई है। कहते हैं कि ये पेंटिंग जिधर भी लगाई गई वहां बुरी तबाही मची। ये कहानी किसी मामूली चित्रकार की बनाई तस्वीर की नहीं, बल्कि इटली के मशहूर चित्रकार जियोवनी ब्रागोलिन की बनाई पेंटिंग की है। भले आप इस पर विश्वास न करें, लेकिन इस पेंटिंग के बारे में बहुत सी अजीबोगरीब जानकारी आपको इंटरनेट पर सर्च करने से भी मिल जाएगी। चित्रकार जियोवनी ब्रागोलिन ने 1985 में एक रोते हुए बच्चे की तस्वीर बनाई थी, जिसका नाम ही द क्राइंग बॉय था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ब्रागोलिन की सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति में इस पेंटिंग को स्थान मिला था। जब क्राइंग बॉय की तस्वीर खूब पसंद की गई, तो ब्रागोलिन ने इसकी पूरी श्रृंखला तैयार कर दी। पेंटिंग इतनी मशहूर हो गई कि इस खास पेंटिंग की 50,000 तक प्रतियां बनाई गईं। ब्रागोलिन को इस पेंटिंग ने बेहद मशहूर किया, लेकिन ये भी सच है कि उन्हें शोहरत दिलाने के बाद इसी को बदौलत उन्हें बदनामी भी मिली। कहते हैं जिन लोगों ने इन पेंटिंग्स को खरीद कर अपने घरों की दीवारों पर सजाया, उनकी जिंदगी तबाह हो गई। घरों में हादसों का सिलसिला शुरू हो गया। तस्वीर का नाम तब ज्यादा उछला जब एक अग्निशमन रक्षक का इससे जुड़ा एक बयान सामने आया। इस दमकल कर्मी ने दावा किया कि वह करीब 15 घरों में आग लगने पर अपनी टीम के साथ गया। वह जिस भी घर में वे आग बुझाने जाते, वहां द क्राइंग बॉय पेंटिंग मिलती। उसका कहना था कि घर का सारा सामान जल चुका होता था, मगर यह पेंटिंग हर हाल में सही सलामत मिलती। बस तभी से पेंटिंग को शापित माना जाने लगा। लोगों ने इस पेंटिंग को घरों में रखना बंद कर दिया। बाद में एक अखबार के कहने पर हेलोवीन त्योहार के बोनफायर में सैकड़ों की तादाद में इस पेंटिंग की प्रतियां जला दी गईं। संयोग देखिए कि इसके बाद हादसों में भी कमी आने लगी, यानी लोगों ने मान लिया कि पेंटिंग वाकई शापित थी।